तो बच्चों, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये जो तीनों चीजें है, इसमें कुछ सिमिलरिटी है या कोई डिफरेंस है? क्या होती है तीनों चीजें? तो आज इस लेक्चर में हम ये तीनों जो चीजें है, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। सो वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एकेडमी। माई सेल्फ इज इंद्रजीत श्रीवास्तव। So in the continuation of the series of the motion in straight line, that means the motion in one dimension, we will now study what do you mean by speed, velocity and the acceleration. In last lecture we have studied what do you mean by scalar, what do you mean by vector, and we have seen what do you mean by distance and displacement. हमें क्या पता चला कि distance जो होता है वो scalar quantity होती है और साथ में डिस्प्लेसमेंट, गौर कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। फिर अब मुझे तो पता चल गई, एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, बट भाई इन दोनों चीजों में जो डिफरेंस है वो तो हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन, एंड द डिस्टेंस इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड इन द मोशन। ओके, अब मुझे ये दोनों चीजें पता है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट इन चीजों का कोई उपयोग है, इन चीजों का कोई यूज है, राइट? सो डिस्टेंस कहां पर यूज होगा और डिस्प्लेसमेंट कहां पर यूज होगी? सो आइए इस सेशन में हम उस पे कुछ गौर करते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दिस इज द सेशन नंबर 3। नाउ इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड नो कि डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। अब ये तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट 101% एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो 101% उसको एक वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। इन वन डायमेंशन हम क्या देखते हैं, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जब हम टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन पे जाते तब हमें पता चलता है कि हम जो मेजरमेंट है सिर्फ डिस्टेंस पे ही नहीं कर सकते, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं, राइट? अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो वो वेक्टर में दिखनी आनी चाहिए। इन वेक्टर एनालिसिस, इन द सेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, यू हैव सीन अबाउट द वेक्टर्स। अब सपोज मेरी एक कोई मोशन है, वो मोशन ए से बी तक जा रही है, मतलब मेरी कोई मोशन ए से बी तक जा रही है। अब जो ए मेरा इनिशियल पॉइंट था, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स थे, उसके कोऑर्डिनेट्स में कंसीडर करता हूं x1, y1 एंड z1, साथ में जो पॉइंट बी है उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है, राइट? उसके कोऑर्डिनेट्स में कंसीडर करता हूं x2, y2 एंड z2। थ्री डायमेंशन फिगर में कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर स्ट्रेट लाइन पे एक एक्सिस है, वो जेड एक्सिस है, वो दिखाया नहीं है क्योंकि इस प्लेन को परपेंडिकुलर आपकी ओर एक एक्सिस जा रहा है, 3D फिगर है। सो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। अब इन दोनों के कुछ पोजीशन वेक्टर लिए, मैं ए का पोजीशन वेक्टर r1 कंसीडर करता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर r2 कंसीडर करता हूं, और ये जो वेक्टर है जो ए से बी तक जा रहा है ये मैं r कंसीडर करता हूं, ओके? सो मोशन होती है, ए से बी तक मोशन होती है। मैंने क्या कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज द लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब दो पॉइंट अगर मुझे दिए हैं तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, उसका मिनिमम डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द बोथ पॉइंट्स। अब स्ट्रेट लाइन जो जॉइन कर रही है ए से बी तक वो है आर, वेक्टर आर। So, या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर आर। सो अभी मुझे पता है कि आर बार, वेक्टर आर इज द डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर आर होता है डिस्प्लेसमेंट। अब लेट अस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर r1 r2 कैसे लिखेंगे? r1 किसका पोजीशन वेक्टर है, ए पॉइंट का, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1। हमने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है कि कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। So, R1 जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है उसे कैसे लेके, उसका जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है x1 i क्या है, इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट आता है, y1।
सो प्लस y1, y एक्सिस का डायरेक्शन वेरिएबल, सो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या आता है j कैप, प्लस इधर क्या आएगा z1 k कैप, राइट। r2 पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x2 i प्लस y2 j प्लस z2, लेकिन मुझे पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कौन दिखा रहा है, r1। अब इन वेक्टर एनालिसिस यू हैव सीन दैट ट्रायंगल लॉ, लॉ ऑफ ट्रायंगल, जो वेक्टर हम जब पढ़ते तब हमने देखा है मैथमेटिकल फिजिक्स में ऑफ 11th स्टैंडर्ड वी हैव सीन दैट द ट्रायंगल लॉ। अगर कोई वेक्टर ऐसे ट्रायंगल रेडी कर रहा है, देखो ये वेक्टर पहले इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, राइट। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते, इधर से इधर गया मींस आर वन, फिर इधर से इधर जा रहा है प्लस आर इक्वल्स टू क्या होता है द वेक्टर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, मींस यहां से यहां पर जा रहा है, यहां से यहां पर जा रहा है, ये फाइनल पॉइंट आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया। दोनों में इस ट्रायंगल में दोनों में क्या वेक्टर आ रहा है, इनिशियल टू फाइनल आर टू वेक्टर, सो यहां लिख सकते हैं हम आर टू बार। सो यहां से r अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो r बार इक्वल्स टू क्या आता है r2 बार, बार यानी वेक्टर माइनस r1 बार, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब r2 क्या है, ये है, r1 क्या है, ये है, दोनों में क्या करना है माइनस करना है, तो फिर फाइनल आंसर क्या आता है r2 माइनस r1, पहले जो पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, उसमें से हमें पोजीशन वेक्टर R1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस माइनस दिस क्या होता है X2 माइनस X1, अलोंग X एक्सिस जो है क्या सब्ट्रैक्शन होगा, X2 माइनस X1, यूनिट वेक्टर क्या आएगा I कैप, प्लस क्या आता है Y2 माइनस Y1, क्या आएगा J कैप, प्लस Z2 माइनस Z1, क्या आएगा K कैप। सो दिस इज द फाइनल, this is the final displacement vector of the motion if the motion goes from point A to point B, तो ये आ जाता है हमारा vector equation आएगा, क्योंकि displacement क्या एक vector है। अब vector का magnitude कैसे find out करते हैं ये भी आप लोगों को पता है, so इसका भी magnitude हम क्या कर सकते find out कर सकते। so this is quite interesting one कि displacement को vector में कैसे लिखना है, so ये आप लोगों को आना चाहिए। In the next session or in the next slide, we will see what do you mean by speed. Ab speed kya hota hai? Okay, so speed, first of all, speed. Ab last lecture mein humne dekha ki distance bhi hota hai and displacement bhi hoti hai, right? So phir speed bhi hai, velocity bhi hai, hum similar terms use karte, kuch to difference hoga, right? ध्यान से देखिए, स्पीड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। अगर हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, सो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइमिंग में, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, सो एग्जैक्टली मीन्स द डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट द स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला हम ऐसे राइट डाउन कर सकते, सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइमिंग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपना पार्टिकल, उसे हम क्या कहेंगे, एक नया क्वांटिटी नाम देंगे स्पीड, राइट। सो अभी डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यस अ यूनिट, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सो स्पीड जो है स्पीड का यस अ यूनिट भी क्या आएगा मीटर पर सेकंड, कहते हैं ना मैं कार कितने 60 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा था, राइट। सो ये हो गया स्पीड, कितने टाइमिंग, कितने टाइमिंग में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, सो इसे हम कहते हैं स्पीड। अब ये स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी एक है, नहीं टाइम तो स्केलर ही क्वांटिटी, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टाइम को कोई डायरेक्शन है, राइट। बट डिस्टेंस, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी आती है वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम डायरेक्शन नहीं बताते, लास्ट लेक्चर में हमने देखा, सो ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी 100% क्या आती है स्केलर क्वांटिटी आती है। लेट अस टेक सम डेमोंस्ट्रेशन,
सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, अब मेरी कार ये बी पॉइंट से ऐसे आई और वो एक टर्न लेके थोड़ा स्टंट वगैरह मारकर दिखाकर फिर फाइनल लोकेशन ए पॉइंट पे आती, बी पॉइंट से स्टार्ट होती, ए पॉइंट से आती। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, दिस पाथ लेंथ एग्जैक्टली, ये है टोटल डिस्टेंस। और हमें दिया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 100 किलोमीटर, सो 100 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, राइट। अब हमें दिया है कि स्पीड क्या है, स्पीड हमें दिया है कि स्पीड कितनी है, कि स्पीड इसकी है 50 किलोमीटर पर आवर, बट ये फाइंड आउट करना है। अभी हमें डिस्टेंस दिया था 100 किलोमीटर, साथ में टाइम दिया है कि इस कार को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में इस टर्न के साथ कितना वक्त लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है, राइट। सो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, राइट। सो अगर स्पीड, सो मैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, सो 100 किलोमीटर कितना टाइम लग रहा है उसे, 2 आवर लग रहा है। सो 100 बाय 2 इज 50, सो कितना आता है 50, यूनिट क्या आएगा इधर, किलोमीटर पर आवर। सो यहां पर हम देख सकते हैं स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द कार। कार ने 50 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसका स्पीड उतना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, इट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, वो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड। तो याद रखिए, अगर मुझे डिस्टेंस पता है तो मैं 100% स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूं, राइट। डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होनी चाहिए, मुझे क्या पता है, डिस्टेंस पता है तो 100% में क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूं। साथ में द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी 0 पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। अब जो डिस्टेंस क्वांटिटी स्केलर देखी हमने, कुछ मेजरमेंट करना है मुझे, मैंने क्या कहा था, स्केलर मीन्स मेजरमेंट, कुछ हम नेगेटिव में मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, कि ये कार यहां से यहां पर -2 किलोमीटर पर जा रही है, नहीं कर सकते। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव में मेजरमेंट होता है, एक तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है, राइट। सो डिस्टेंस अगर 0 और पॉजिटिव हो सकता है तो 100% हमारा जो स्पीड है वो भी एक तो 0 हो सकता है, अगर कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया है, अगर वो कार स्टेबल है, डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रही तो उसका स्पीड भी 0 ही आएगा। अगर डिस्टेंस को कवर कर रही तो पॉजिटिव डिस्टेंस लोगे हम, सो फिर वेलोसिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी 0 पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। ऐसे कहीं सुना है क्या कि मेरी जो कार है -20 किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी, नहीं सुना है ना। सो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, 0 होता है, सिमिलरली जो स्पीड है वो भी पॉजिटिव और 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकंडली स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड थर्डली इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव बट इट विल नेवर बी नेगेटिव। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पीड। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट द एवरेज स्पीड। अभी ओके, स्पीड मुझे पता है क्या है, अब एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या स्पीड होता है, ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये दोनों हमें पता होनी चाहिए कि स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब क्या कर सकता हूं मैं, मेरे पास एक कार है, वो क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विथ सम टाइम t1, सो s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विथ सम टाइम t1, साथ में s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद टाइम t2, उसके साथ s3 डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है विद टाइम t3, ओके। सो अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन सेकंड डिस्टेंस अपॉन टाइम, थर्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन सब का जब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसका जब आप एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, so it is defined as the ratio of, right, it is defined as the ratio of total distance, total kitna distance travel kiya car ne, s1 plus s2 plus s3 to the total distance traveled by the object to the total time taken, kitna time, agar wo s1 distance
T1 टाइम में कंसिडर कर रहा है, S2 डिस्टेंस T2 टाइम में कंसिडर कर रहा है, S3 डिस्टेंस S3 के लिए उसे टाइम लग रहा है T3, तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ, S1 प्लस S2 प्लस S3, राइट, एंड द टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां लिखा है मैंने, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंसेस S1, S2, S3 एटसेट्रा विद द स्पीड्स V1, V2, V3, टाइमिंग नहीं पता है मुझे, मुझे V1, V2, V3 पता है, S1, S2, S3 पता है, लेकिन मुझे टाइमिंग पता है क्या, नहीं, बट स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं पता, कैसे कैलकुलेशंस करोगे, इंपॉर्टेंट वन, इंटरेस्टिंग वन। सो अब एवरेज स्पीड लिख रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। बट अब मुझे S1, S2, S3 पता है, V1, V2, V3 तीनों के स्पीड पता है, लेकिन मुझे टाइमिंग पता है क्या, नहीं, बट तुम्हें पता है क्या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां से हमें क्या पता चला कि V1 इक्वल्स टू होता है S1 अपॉन T1। सो मुझे बताओ T1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, T1 इक्वल्स टू आ गया S1 अपॉन V1, मुझे S पता था, V पता था, मैंने टाइमिंग कैलकुलेट कर लिया, अब वो टाइमिंग मैं इधर डाल सकता हूं, राइट। सो अब वेट, ओके, अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू S1 S2 S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 इज S1 अपॉन V1, सो T1 इज S1 अपॉन V1 प्लस T2 इज S2 अपॉन V2 प्लस T3 इज S3 अपॉन V3, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे S1 पता है, V1 पता है, स्पीड भी पता है, तो मैं T1 कैलकुलेट कर सकता हूं, T1, T2, T3 के ये वैल्यूज पुट अप करके, S1, S2, S3 ये पुट अप करके मैं एवरेज स्पीड क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। सो ये होता है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर कुछ कार है, कुछ ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद सम वेलोसिटी V1, फिर आगे वो नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अब उसने वेलोसिटी यानी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, इनिशियली कुछ स्पीड से जा रहा था, अब वो स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है S2, अब स्पीड और कम कर दिया, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है S3। सो अगर मुझे S1, S2, S3 पता है, रिस्पेक्टिव स्पीड्स पता है V1, V2, V3, देन हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, सो दिस इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब मैं देख रहा हूं कुछ कार जा रही है, अब मैं बोलू इस समय पे इस कार की कितनी वेलोसिटी, इस समय पे इस ये कार की कितनी स्पीड है, वेलोसिटी इज जस्ट ओनली स्पीड, बट उसे वेक्टर आता है आगे का स्पीड है या पीछे वाला स्पीड, अब हम स्पीड देख रहे हैं, तो स्पीड क्या है, स्पीड ये टाइमिंग पे उसकी क्या स्पीड है, हम क्या कहेंगे उसे, इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कार, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ इंस्टेंट पे हम स्पीड कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ डेल्टा टी मींस चेंज इन टाइम, अगर मैं ये समय पे देख रहा हूं तो चेंजिंग टाइम क्या होना चाहिए, जीरो, वही टाइमिंग पे मुझे टाइमिंग चेंज चाहिए क्या, नहीं चाहिए, वही टाइमिंग पे मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है, सो मुझे टाइमिंग क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए, चेंज इन टाइम क्या चाहिए, जीरो चाहिए। सो इफ डेल्टा टी चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, देन एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मुझे पता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को मैं लिखूंगा वी एवरेज इक्वल्स टू क्या था, सो डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये टाइम था T1, T2, T3 एडिशन, राइट,
सो डिफरेंट डिफरेंट टाइम था, टाइम क्या हुआ, चेंज चेंज हुआ। अब मुझे टाइम चेंजिंग चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे वही टाइमिंग पे स्पीड कैलकुलेट करना है। मतलब मेरा जो चेंज इन टाइम है डेल्टा टी, वो क्या चाहिए, टेंड्स टू जीरो, जीरो चाहिए। सो मैं इसे क्या कर सकता हूं, इफ लिमिट, लिमिट में कुछ लगा रहा हूं, इस इक्वेशन को कुछ लिमिट लगा रहा हूं कि डेल्टा जो टी है वो जीरो होना चाहिए, कौन से इक्वेशन को, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को। तो ये जो इक्वेशन मेरा बन गया है, इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड माने, सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब आगे जाकर जब आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट देखोगे, तो फिर हमें ये पता चलता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता है। सो डिफरेंशियल ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डीएस अपॉन डीटी, ये डेरिवेटिव वाली टर्म है। सो डीएस अपॉन डीटी, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है तो मुझे डेरिवेटिव लेना है, ये अभी पता चल गया। ओके, सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट अबाउट स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर स्पीड ये है, ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट वेलोसिटी। स्पीड ये होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड भी मुझे पता चल गई। वेलोसिटी इज द स्पीड विद द डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि ये जो कार है 20 किलोमीटर पर हवर पर चल रही है, बट इन द नॉर्थ डायरेक्शन और अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी मैं क्या कर रहा हूं, स्पीड को एक वेक्टर रेडी कर रहा हूं और उससे उस वेक्टर को हमने नाम दिया वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड प्लस इट्स डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन बता रहे तो वो वेलोसिटी हो गई। ओके, स्पीड के साथ डायरेक्शन बता रहे, कब डायरेक्शन बताएंगे, लास्ट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, क्यों, डिस्टेंस स्केलर था। अब अगर मैं डिस्टेंस के साथ कौन सा वेक्टर हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले रहा हूं, यानी टाइम तो स्केलर क्वांटिटी, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये जो अपॉन, ये जो रेशो आ रहा है वो भी 101% क्या होता है, वेक्टर ही होगा, और उस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इफ यू नो द डिस्प्लेसमेंट, you will find, what will you find, you will find the velocity in given time, jo time diya hai usme hame velocity milti hai. So the rate of change of displacement with time, so the rate of change of displacement with time is called as velocity. The rate of change of displacement, kitni displacement ho rahi, कितनी चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पता होना चाहिए, कितने टाइमिंग के साथ वो चेंज हो रही है। अगर वो दोनों का हम रेशो ले रहे हैं तो 101% हमें वेलोसिटी मिल रही है, राइट। सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये भी वेक्टर ही आएगी ना भाई। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है, माइनस एक्स एक्सिस पे जा रही है तो निगेटिव हो जाएगी। सो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकती है, राइट। सो द वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। अब दोनों एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये मेरा ए पॉइंट है, यहां से अगर मैं मोशन स्टार्ट करता हूं, मोशन पूरा सर्कमफेरेंस में मैं घूम कर आया, फिर से यहां ही आया। इनिशियल पॉइंट भी ये था, फाइनल पॉइंट भी मेरा क्या है, यही है। डिस्प्लेसमेंट क्या थी इस चीज में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। सो इधर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जीरो। सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट ये आती है जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो जीरो अपॉन टाइम, सो क्या आएगी, वेलोसिटी जीरो। सो यहां भी वेलोसिटी क्या आती, जीरो। अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, कौन सी मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, और वो एक कंप्लीट सर्कल कर लिया, मतलब कंप्लीट
डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो आता है तो वेलोसिटी भी उतनी में क्या थी, जीरो थी। पॉजिटिव वेलोसिटी तो पता है तुम्हें कैसी रहेगी। लेट अस थिंक अबाउट द नेगेटिव वेलोसिटी। अब ये कार, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम इस कार को देख रही है। अब ये जब यहां पर कोई लड़का था, उसके हाथ में क्या था, वॉच थी। अब वो इस कार को देख रही है, कार आगे आगे जा रही है, फिर वो टर्न ले रही है, राइट, फिर वो टर्न ले रही है। अब जब कार आगे आगे जा रही थी तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, राइट। तो तब वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। अब ये कार टर्न लेकर इसके पास आ रही है, तो देखो यहां से कार अगर यहां तक आई, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो रहा है, अभी जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन इसके ओर आ रही है, इसके ओर, सो डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, अभी कम कम होती जा रही है। अब डिस्प्लेसमेंट कम कम होती जा रही है मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट अगर कम होती जाएगी तो वेलोसिटी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि वो कम 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 होते जा रहे, माइनस एक्स एक्सिस पे ट्रेवलिंग हो रहा है, सो वो क्या जाता है, कम होते जाता है। सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव एंड कैन बी जीरो, इट इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे वेलोसिटी, अब जैसे स्पीड हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, वैसे ही वेलोसिटी होती है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी, इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा, सो वी एवरेज, लेकिन ये वेक्टर दिखाएंगे हम, अगर वी दिखाते हैं वो तो स्पीड हो जाएगा। अब स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, स्पीड का मैंने क्या किया, वेक्टर ड्रॉ किया। सो वी एवरेज इक्वल्स टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, सो टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। साथ में देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या चाहिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ऑफ वी एवरेज, लाइक इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो चेंज इन टाइम है वो क्या होना चाहिए, कम 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 होना चाहिए। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस प्लस वेक्टर अपॉन टोटल टाइम, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और डेरिवेटिव के कंसेप्ट में डी एस बार अपॉन डी टी, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हमने स्पीड देखा वैसे ही वेलोसिटी होती। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड इज जनरली ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन द नेक्स्ट स्लाइड दीज आर द क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन की बात नहीं करता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो फिर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही किसका मैग्नीट्यूड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा। साथ में व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी स्पीड भी क्या है उसकी, कांस्टेंट है, राइट, सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट, वही ना, क्योंकि हर टाइम उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सो वी एवरेज और एवरेज स्पीड भी क्या होगी, वही होगी जो है, जो कांस्टेंट है वही होगी। इंस्टेंटेनियस, अगर मैं वो कार को देख रहा हूं ये टाइमिंग पे उसकी स्पीड क्या है, ये टाइमिंग पे उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी थ्रू आउट द टाइम क्या है, कांस्टेंट, अगर 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है एक्स डायरेक्शन में तो 2 मीटर पर सेकंड ही दिखेगा हमें हमेशा, तो स्पीड वही रहेगा, एवरेज स्पीड भी वही रहेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही रहेगा, साथ में वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पर ही चल रही है वही रहेगी, एवरेज वेलोसिटी भी वही रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो टाइमिंग पे उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी। So, ये सब सेम हो जाता है अगर वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट,
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी हमेशा वही रही, कॉन्स्टेंट ही एक सी डायरेक्शन में चल रही. सो ऑल दिस थिंग्स आर इक्वल. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अबाउट द एक्सेलरेशन. अब जैसे हमने देखा इसकी स्पीड होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देखा, स्पीड होता है देखा, वेलोसिटी होती देखा, साथ में हम अब क्या करेंगे कि क्या होता है एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी और स्पीड क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, ये जैसे जैसे चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन मोस्टली आती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर मैं ये पेन ऊपर से नीचे थ्रो करता हूं तो क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसे नीचे खींच रहा है. सो एक्सेलरेशन ही वेक्टर ही क्वांटिटी, देखो वो उसे नीचे खींच रहा है, राइट, ऊपर लेकर जा रहा है कि नहीं, उसे नीचे डायरेक्शन है. सो एक्सेलरेशन ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. सो वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर ये क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम होगा या वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, ये होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वो वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो नहीं आएगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर थी फिर वेलोसिटी इधर आई, तो चेंज अगर ये ज्यादा थी तो चेंज की वेलोसिटी इधर जाती रहेगी, अगर इधर वाली वेलोसिटी ज्यादा है तो चेंज की वेलोसिटी इधर जाती रहेगी. सो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आती है. सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन आता है. अब फिर से ये वेलोसिटी, अब यहाँ पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस दर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, टेंजेंशियल है, ऊपर जाने को देख रही है, फिर इधर मुड़ रही है, इधर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, स्पीड सेम है, अगर वो सेम स्पीड से घूम रही है लेकिन उसकी क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, क्योंकि वेलोसिटी होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, अगर दोनों में से कुछ एक चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये भी कौन सी मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है, एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब 101% वह एक्सेलरेटेड मोशन है. या भी v is not constant, ये कार इधर जा रही है but v is not constant, मतलब velocity और distance और we can say the speed constant नहीं. अब ये v is not, v bar नहीं लिखा है, v bar लिखा तो velocity, v लिखा तो speed, speed constant नहीं, मतलब speed क्या हो रहा है, change हो रहा है. अब उस speed को हमने ये direction दिखा दी कि वो straight जा रही थी, मतलब ये velocity हो गई, magnitude plus direction, मतलब अगर यह velocity का magnitude क्या हो रहा है, constant है क्या, नहीं है, चेंज हो रहा है, अगर यहां भी क्या हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है तो ये 101% क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये हो गया अपना एक्सेलरेटेड मोशन. तो ये होता है एक्सेलरेशन. सो आज इस लेक्चर में हमने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और अगर उन दोनों चीज का हमने यूज किया तो हमें पता चलता है कुछ स्पीड भी होता है, कुछ वेलोसिटी भी होते हैं, वो दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके साथ हमने देखा एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस स्पीड के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, और एट द लास्ट हमने देखा कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है जनरली द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. सो दिस ऑल द थिंग्स, थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आज आप लोगों को पता चला कि स्पीड एंड वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन ये अगेन वेक्टर क्वांटिटी आती है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी या तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या तो दोनों चेंज होने चाहिए, अगर ये दोनों चेंज हो रहे तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों उसे एक्सेलरेशन आएगा, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही तो भी एक्सेलरेशन मोशन है,
एक्सेलरेटेड मोशन, इधर भी एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, इधर भी क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। सो थैंक यू।